हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और मैं आप सबको बताया नहीं कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ और मैं अभी जीरादेई पार कर गया हूँ। मैं लिच्छवी एक्सप्रेस से जाने वाला हूँ और मेरे साथ मेरे अंकल और मेरे डैडी भी जाने वाले हैं, तो सकता है तो मैं उनसे भी मिलाता हूँ और वीडियो को यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ फिर। मेरा सीट था थर्ड एसी में और मैं अभी आया हूँ सेकेंड टायर में और यहाँ पे डैडी का सीट है तो वो अभी लेटे हुए हैं, मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो ये है मेरे डैडी, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। गाइस अब मैं आ चुका हूँ सेकेंड टायर से और मैं डैडी का ये चश्मा लेके आ गया। ये है मेरे अंकल, इनका नेम है शाहनूर खान और घर पर सभी ने मिंटू खान के नाम से जानते हैं। गाइस अभी मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ ऊपर और मैं अभी कुछ देर यहाँ पे आराम करूँगा और वीडियो को मैं शाम में स्टार्ट करूँगा, जब तक के लिए बाय। तो गाइस अभी मैं सोकर उठ गया हूँ और अभी टाइम 4 हो रहा है। अब हम आ चुके हैं कैंटीन में क्योंकि हमें लेना है लंच के लिए कुछ खाना, तो यहाँ पर मैंने पनीर और राइस और दाल ले लिया और पराठा। तो ये है पराठा और इस कैंटीन में ये पनीर की सब्ज़ी और ये दाल और ये चावल और अचार के पैकेट भी है। मैंने अभी डिनर कर लिया और मैं अब सो रहा हूँ और मैं सुबह मिलूँगा एक वीडियो में और वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ क्योंकि मुझे सोना है और मैंने दिन में सो नहीं पाया। उस टाइम मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन सो नहीं पाया। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो रेलवे का जो चार्ज मिलता है ना एसी बोगी में, इसे अक्टूबर में कर दे रेलवे तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वाइट वाइट चादर दिखती है तो ऐसा सीन होता है। आप इस वीडियो में जरूर देख लेना। मेरी रेलवे वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्रभु एसी कंपार्टमेंट में जो है सफ़ेद चादर की जगह ना रंगीन चादरें कर दो। रात को सब लोग सो रहे होते हैं, सफ़ेद चादरें ओढ़ ओढ़ के ऐसा लगता है जैसे साला मुर्दा घर में आ गए।